हेलो फ्रेंड्स, आराध्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमक पारे। ये बहुत इजी और पॉपुलैरिटी स्नैक्स है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल में 2 कप मैदा। अब बीच में थोड़ा सा जगह करके हम 1/2 कप घी लिए हैं, ये देसी घी है। इस घी को इसमें अच्छी तरीके से मोयम देंगे, मसल मसल कर इसमें मोयम देना है। जो थोड़ा सा घी मैंने बचा कर रखा था अब उसको भी मैंने डाल दिया है। नमक पारा बनाइए तो उसमें मोयम देना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। जितना अच्छा मोयम देंगे उतना ही खस्ता क्रिस्पी नमक पारा बनता है। जब तक इसमें लड्डू ना बनने लगे तब तक इसमें मोयम देना है। तो यहाँ पर हम लिए हैं 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते हुए डो लगाएंगे। तो ये डो बनकर तैयार हो गया है, जैसे हम रोटी पूड़ी का डो लगाते हैं। इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद देखेंगे दोस्तों, तो हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको लोई के आकार में तोड़ लेंगे। अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह हथेलियों के बीच में मसलते हुए इसको पेड़े के आकार में बनाएंगे। फिर इस पे सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। जैसे रोटी हम बेलते हैं उसी तरह से बेलना है इसे। रोटी से थोड़ा मोटा रखना है। कहीं मोटा कहीं पतला ना रहे, एक साइज का ही रहे। अब इसे हम चाकू से कट करेंगे। नमक पारा जिस शेप में आपको पसंद है उस शेप में काट लीजिए। ये छोटे छोटे जो हैं इसको हम निकाल देंगे पीसेज को, और इसे एक प्लेट में सभी नमक पारा को उठा कर रख लेंगे। सभी नमक पारा को मैंने उठा लिया और तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गरम हो गया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और इसे थोड़ा थोड़ा करके तेल के अंदर डालें आराम आराम से। तेल बहुत गरम है, ध्यान रखें। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे और हल्का सा इसे हम चला देंगे। जो बीच में चिपके बैठे हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे पैन के अंदर। तो ये हमारे नमक पारा सिक चुके हैं, बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी नमक पारा बने हैं। तो इसको मैं उल्टा पलटा करके निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस नमक पारे बने हैं, जो बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट होता है। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सारे नमक पारा निकाल लिए और एक प्लेट में रख दिए हैं। जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से तो एक कंटेनर में भर कर रख लीजिए, महीनों एंजॉय कीजिए चाय के साथ। तो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी नमक पारे बने हैं, कहीं से कच्चे नहीं हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय दोस्तों।